वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज अमलन। तो गाइज, आप लोग बोल रहे थे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो ब्लॉग आ गया। कुछ मेरे को क्लास में बोले, बाहर में कोई बोले ब्लॉग क्यों नहीं है, तो फाइनली आज ब्लॉग आ गया है। ये छोटा सा मिनी ब्लॉग हो सकता है, लिख लेना आपको कैसा ब्लॉग लग रहा है। सोच रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो पूजा आ रहा है, गणेश जी का पूजा, तो डेकोरेशन के लिए ज़्यादा से सामान वगैरह सब ला लिए। वही छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग देखो आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग। फिर बड़ा वाला ब्लॉग जरूर आएगा, लॉन्ग वाला ब्लॉग यहाँ ही आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी आ रहा है। तो गाइस अब बताना आपको वीडियो कैसा लगा, तो एंजॉय करो ब्लॉग को। थैंक यू गाइस। अ फ्यू डेज लेटर गाइस, फाइनली गणेश जी का मूर्ति आ गया है। अभी लेके जा रहे हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ किसे लेके जा रहे हैं। तो फिर वहाँ मिलेंगे हॉस्टल में, चलो। अभी जो बोलते हैं गणेश का मूर्ति ला चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर अमलन भाई मूर्ति के साथ बैठा है। हम हॉस्टल में जाके आपको दिखाते हैं। वो अंकल हमको हेल्प किए। अभी तो फेस नहीं दिखाएंगे हम लोग, पूजा होने के बाद दिखाएंगे। श्योर दिखाएंगे गाइस। तो गाइस एक छोटा सा मिनी ब्लॉग हो चुका है, पर मैं अपलोड कर दूंगा। सोच रहा तो नहीं करूंगा। अरे मूर्ति में दिख, बहुत थोड़ा बहुत बड़ा मूर्ति है गाइस। तो प्रिपरेशन जो होगा आपको दिखेंगे क्या होगा। वेट भी थोड़ा भारी है, बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है। देखो पीछे से पकड़ा हूँ मैं, शायद गिर जाएगा। हाँ। तो मिलते हैं आगे। अब मैं दिखा दूंगा आगे। अंकल थोड़ा हेल्प किए तो फिर हम वैन में उठाए। तो गाइस हम बाद में बात करते हैं। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तो गाइस आप तो देख सकते हैं हम मूर्ति ला चुके हैं, लेकिन हम अभी तो फेस नहीं दिखा सकते ना, पूजा नहीं हुआ है। और वो पुजारी भी नहीं बोला है कि दिखाने के लिए, आप वो अंकल भी हेल्प के लाने के लिए। और बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है ये मूर्ति, बहुत ही भारी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से ये पूजा होगा। लेट्स एंजॉय एंड सेलिब्रेट गणेश पूजा। तो गाइस पूरा धूमधाम से पूजा करने वाले हैं। अभी क्या मूर्ति है तो लेके चलते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा क्या होगा वहाँ। गुड इवनिंग, अभी शाम हुआ है यहाँ। तो आज जितना भी डेकोरेट का सामान ला लिए हैं, ये डेकोरेशन का हेड है। तो कुछ बोल रहे भाई, क्या करेगा डेकोरेशन में? आज 31 अगस्त को तो गणेश पूजा होने वाला है, उसके लिए हम बहुत सारे डेकोरेशन का आइटम्स भी लाए हैं। और उस दिन हम गणेश भगवान को स्थापित करेंगे, और उनके चारों तरफ फूल और विभिन्न प्रकार के सामग्री से बहुत सुंदर भाव से सजाएंगे। और आप देखने के लिए वेट कीजिए। क्या हम सोच रहे हैं ट्यूसडे रात को डेकोरेट कर लेंगे? हाँ, ट्यूसडे रात को डिनर के बाद डेकोरेशन शुरू कर देंगे। रात 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा डेकोरेशन, खत्म हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। तो गाइस वेट करना, डेकोरेशन कैसा हुआ है। ये भाई हेड है डेकोरेशन का, अभी हम लोग कुछ नहीं, और सभी वेट करना डेकोरेशन देखने के लिए। हाँ गाइस, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना डेकोरेशन। तो गाइस यहाँ कुछ लोग है जो इधर उधर का बातें बोल रहे हैं, क्या बोले इन लोगों, को बोलने तो कुछ नहीं, हम लोग का क्या ब्लॉग ही चलता रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कल आप लोग का प्यार ही चाहिए गाइस, लेट्स वेट। तो गाइस अभी डेकोरेशन का सामान लेने आए हैं मैं और इधर से। हाँ, डेकोरेशन का सामान आधा हम पहले खरीद लिए थे, तो अब हम थोड़ा थोड़ा खरीदने वाले हैं। वो एक भैया गया है लाने के लिए बेलन वगैरह, तो लाने के बाद हम भी यहाँ से कुछ खरीदेंगे, लेकर चले जाएंगे। शोरूम उधर है, हमें आप लोग दिखा दो हम लोग क्या क्या सामान लाए। देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहाँ से सामान लेके फिर वहाँ से कुछ लाना है। पूरा काम अभी तक नहीं हुआ है, आधा अधूरा हुआ है गाइस। हाँ, होगा धीरे धीरे होगा भाई।
गाइस अभी पूजा के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, चलो दिखाता हूँ क्या हो रहा है, वो कैसे ड्राइंग कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, चलो गाइस। तो गाइस जो वहाँ पर बैठ कर ड्राइंग कर रहे हैं, पूछते हैं क्या बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हैं। हेलो गाइस, मैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए जो मोनार्क मंदिर का जो पहिया होता है और वो गणेश भगवान के जो मतलब जो पंडाल में बैठी हुई पंडाल को सजाने के लिए ये वाला बना रहा हूँ, जिसे मैं ब्राउन कलर से करूँगा। और जैसे कि आप देखें कि मोनार्क मंदिर में उनका पहिया होता है नीचे, वैसे ही टाइप का जिससे भी डेकोरेशन अभी चल रहा है। और अभी मैं तो सोलो को फिलहाल काट रहा हूँ, फिर जाकर धीरे धीरे फॉलो करूँगा। तो बाय विश्व, तेरा नेक्स्ट प्लान क्या है, मतलब ये बनाने के बाद फिर क्या बनाएगा? इसे पहले कलरिंग करूँगा, अच्छे से फिनिशिंग करूँगा पैनाकी वाले काम को, फिर जाके साइड में सजाने के लिए कुछ फूल टाइप का बनाऊंगा, और एक मतलब सोलो से एक बनियान ट्री बनाने के लिए सोच रहा हूँ। तो लगभग आज आधा काम हो जाएगा ना? हाँ, ये वाला तो कम्प्लीट हो जाएगा, बाकी के डिजाइन उसके लिए कल तक वेट करना पड़ेगा, मतलब आज तो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, सिर्फ कलरिंग ही हो पाएगा। ठीक है, तो गाइस जी उसको अपना काम करने देते हैं, वो कर रहे हैं। तो गाइस जी देखो आधा सामान आ चुका है और बाकी आने वाला है, बस अभी इतना ही आया है, बाकी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो चलो उसको अपना काम करने देते हैं, बाय 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 बाय।